नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। एंड एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। टाइम हो गया है लगभग 10 बज चुके हैं, 11 जुलाई और 12 जुलाई के लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे। और लगभग मैं 5 बजे से पहले पहले हमेशा अपना व्यू पोस्ट कर देता हूँ, बट मैं जस्ट अभी घर पर आया हूँ 15 मिनट पहले, ठीक है, और आपके लिए सामने अपना व्यू लेके हाजिर हूँ। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, मेरा व्यू वैसा का वैसा ही है। बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट में हूँ, ऑलरेडी पोजिशन बना चुका हूँ बैंक निफ्टी में, जो मैंने आपको बता दी थी। मुझे यहां से लगता है बैंक निफ्टी सिंपल सा है, एक बार आपको 35,000 के नीचे जरूर मिलेगा, ठीक है, कल या परसों में 35,000 के नीचे जरूर मिलेगा। और ये लेवल उसमें रिटेस्ट होना चाहिए, 34,800 का लेवल रिटेस्ट होना चाहिए। और मेरा पर्सनल टारगेट है 34,400, जो कि एक बार मुझे लगता आएगा 34,600 से लेके 34,400 के बीच में एक बार बैंक निफ्टी को आना चाहिए, ठीक है। यहां से देखिए सीधी खड़ी चढ़ाई है, यहां से 33,100 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और याद कीजिए मैंने वीडियो इस दिन बनाई थी, ठीक है, 33,100, 150 के बाद से, कि मुझे बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। और टारगेट कितना दिया था 34,800, ठीक है। उसके बाद से यहां तक जब ये टारगेट अचीव हो गया 34,800, ये दो दिन से मैं बाई साइड का ही ट्रेड देख रहा हूं। और आज जैसे ही मैंने टेलीग्राम पे डाला कि 35,500 यहां से बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए, वो सेम चीज आपको मैंने वीडियो बना के भी बता दी थी और एनालिसिस करके भी बता दी थी। तो ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, मुझे लगता है यहां तक आना चाहिए, ठीक है, 34,400-35,000 के बीच का लेवल है। बट आप एक बार मान के चलिए कि 35,000 के नीचे आएगा, ठीक है, कल या परसों में ही इसकी गिरावट की शुरुआत हो जानी चाहिए। बिल्कुल देखिए, ये होता है करेक्ट 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको ऐसे देखेगा। और ये जो मैंने लाइन खींची है ऐसी वाली लाइन, ये होती है 45 डिग्री। तो ये जो चढ़ाई है ना, ये भैया 80 डिग्री से 75 डिग्री के आसपास है। तो जब भी ऐसा राइज होगा ये नीचे की तरफ आएगा ही, ठीक है, और ये इस वाले हाई को टैग नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये आपको मेरे डॉग की आवाज आ रही होगी, इसको पता लग गया मैं आ गया हूँ और बिल्कुल आके अभी तंग कर रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये वाला हाई ये टैग नहीं करेगा जो कि है 36,050, इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं क्लोज करेगा, आप ये मान के चलिए, जब तक वो यहां से लगभग 1,000 से 1,200 पॉइंट गिरावट इसे देनी, 1,000 पॉइंट की गिरावट इसको देनी है। और मुझे लगता है 34,400 तक इसको आना चाहिए। बहुत ओवरबोट हो गया है, सीधा भाग गया है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर इसको तेजी करनी है तेजी करे, मंदी करनी है मंदी करे, बट फिलहाल अभी के लिए मुझे लगता है इस जोन में 34,600 से लेके 400 के बीच में विद इन दिस फ्राइडे टारगेट आ जाना चाहिए। और 35,000 के नीचे आपको कल या परसों में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, और 34,600 से 400 के बीच में विद इन दिस फ्राइडे एक बार बैंक निफ्टी आपको देख जाना चाहिए। अब करते हैं बात निफ्टी की। निफ्टी में मैंने शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करी है, सॉरी ये रहा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा स्पेस अभी भी दिख रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट पोजीशन इसमें नहीं क्रिएट की है। ये चैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, हाँ, जब अगर मुझे 16,350 से लेकर 400 के बीच में निफ्टी मिलता है, मैं वहां पे भी इसको ठोकना चाहूंगा, ठीक है, और मेरा टारगेट होगा 16,000, मिनिमम 16,000, ठीक है, 16,000 मिनिमम मेरा टारगेट होगा। अगर मुझे 350 से लेके 400 के बीच में मिलता है, वहां मिनिमम मेरा टारगेट 16,000 होगा। मुझे लगता है एक बार 15,900 के करीब निफ्टी को भी आना चाहिए, 15,900। ये जो ब्रेकआउट दिया था उसने, ये इसने ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैं कल के एनालिसिस में सब कुछ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कल बोल चुका हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ओवरबोट से एक्सट्रीम ओवरबोट के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वहां पे आपको दिख सकता है, ये है लेवल 15,930 के करीब, ठीक है दोस्तों, ये है लेवल और यहां तक मुझे लगता है एक बार आना चाहिए। ये मैंने आपके साथ ड्रॉप 930 से लेके 900 के बीच, ये 900 है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन है 930, इसके बीच में एक बार आना चाहिए यहां से,
फिर इसको ब्रेकआउट देना है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से 17,000 जाए यार, मैं तो और भी खुश हो जाऊंगा, हमने अच्छा माल उठाया नीचे। और नीचे गिरना है तो फिर हम एक बार देखेंगे भैया, क्योंकि 15,800 के नीचे जाने का मतलब है फिर निफ्टी नया घर खोल रहा है, 15,400 की तरफ जाने वाला घर खोल रहा है। अगर ये रुक 15,900 तो आप मान के चलिए आएगा 15,906, 16,000 से लेके 15,900 के बीच में एक बार आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फर्दर तेजी करनी है, नीचे की तरफ गिरावट करने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत तेजी कल हो सकती है, स्पेशली मुझे बैंक निफ्टी दिखा रहा है, और मजा आ जाएगा अगर बैंक निफ्टी कल 100-150 पॉइंट और ऊपर मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो कैंडल बनी है ना वो एक बार शायद इसको ऊपर तेजी की तरफ ले जाएगी, ठीक है। हालांकि इसने आप आखिरी में देखेंगे ना अगर प्राइस एक्शन, 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूं मैं, तो ये देखिए ऐसे लगता है किसी ने छोड़ दिया लास्ट के 15 मिनट। ये आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 35,500 का ये, और उसके बाद ये गिर गया और नीचे तक आया है 35,400 तक आया, ये 100 पॉइंट इसने लास्ट के 15 मिनट में छोड़ दिए, ठीक है। तो कोई जरूरी भी नहीं है कोई तेजी मिल जाए, बट अगर तेजी मिल जाती है बिंदास शॉर्ट मारिएगा, बिंदास, ठीक है। और 100-150 पॉइंट जैसे मिले कब एक बार बुक करिए। देखिए मैं कायदे से बताता हूं आपको, अगर इनको टांग के रखना है ना तो ये क्या करेंगे, 100-150 पॉइंट नीचे गिराएंगे, 200 पॉइंट ऊपर चढ़ा देंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। आज भी इन्होंने 350 से गिराया नीचे, 35,220 के आसपास लेके आए, वहां से इन्होंने फिर उसको 200-250 पॉइंट चढ़ा दिया। तो इतनी ही तेजी कर सकते हैं पूरे दिन में, उससे ज्यादा तेजी नहीं कर सकते, जगह नहीं बची है, ठीक है, जगह नहीं बची है। ये क्या करेंगे, 100-150 पॉइंट गिराएंगे, तो उसी दिन अगर इनको तेजी करनी है तो 200-250 पॉइंट खींच देंगे, फिर जैसे ही इनके कमरे के अंदर बकरे भर जाएंगे तेजी करने वाले, खटाक करके वेडनेसडे थर्सडे के दिन वहां से सीधा आपको 800-900 पॉइंट एक ही दिन में दिखा देंगे नीचे की तरफ, यही होने वाला है, देख लीजिएगा। और मैं ऐसा कई बार आपको पहले बता के बोल के दिखा चुका हूं, 2-3 दिन लेट हो जाता हूं पर वो चीज होती है, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा नहीं बता सकता, थैंक यू वेरी मच।